आज माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार राज्य मंत्रिमंडल 30तम बैठक अनुष्ठित हो बैठक में आज 11टी प्रस्ताव अनुमोदन करा भितर सबुठ इम्पोर्टेंट प्रस्ताव जो थी चारिटी से ओडिशा जो पश्चिम ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा को संजोग करुवा विजु एक्सप्रेस वे उपरे प्रस्ताव थिला प्राय 448 कोटी टंका व्ययरे विजु एक्सप्रेस वे रो नुआपड़ा एवं कलाहांडी जिले में जो 174 किलोमीटर विजु एक्सप्रेस वे वर्तमान टू लेन रो काम चली फोर लेन करिया पई आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसेंति एवं एथिमध्यरो नुआपड़ा जिले में 104 किलोमीटर जो थे प्राय 6टी छोट पोल एवं 6टी बृहत पोल निर्माण करा जिवो सेपरि सिनापाली रो धरमगढ़ देके आमपानी पर्यंत प्राय 69 किलोमीटर जोटा कलाहांडी जिला देके जिवो एवं एथिरे प्राय 13टी पोल कंस्ट्रक्शन करा जिवो पश्चिम ओडिशा रो विकास पई ए जो विजु एक्सप्रेस वे तार अवदान बहुत अधिक रहिवो फोर लेन कंस्ट्रक्शन हला परे से सब अंचल विशेषतः नुआपड़ा एवं कलाहांडी जिले में शिल्पर अभिवृद्धि एवं सामग्रिक अर्थनैतिक उन्नति आसिबो 174 किलोमीटर दीर्घ जो फोर लेन रास्ता तैयारी करा जाउछि विजु एक्सप्रेस वे कलाहांडी एवं नुआपड़ा जिला देके जो जीव ताकू आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कले एवं यह राज्य शिल्प एवं वाणिज्य जथेष विकास घटे से अंचल याप आज ईपीसी एग्रीमेंट पाई जो प्रपोजल थिला ताकु अप्रूव कराई नुआपड़ा जिलार घाटीपड़ा ठारु आरंभ कर कलाहांडी जिलार आमपाणी पर्यंत 174 किलोमीटर फोर लेन रोड 448 कोटी टंका व्ययरे आज अप्रूव कराई यहाँ आज सबुठ बड़ प्रपोजल जोटा अप्रूव कराई या सहित कटक सहर रे जायकार जो प्रोजेक्ट चली जो मेन ड्रेन अच्छी मेन ड्रेन नंबर वन कटक सहर भितरे ता उपरे बॉक्स कलवर्ट करने पट्टापोल ठारु मातृभवन पर्यंत एंटायर स्ट्रेच रे बॉक्स कलवर्ट करने तार जो टेंडर आह्वान कराइथिला तार मध्ये आज अप्रूव करागला एवं 450 कोटी टंका व्ययरे एक काम डिसेंबर 22 सुधा कंप्लीट करा जाय पई प्रस्ताव थिला एवं ताकु कैबिनेट आज अनुमोदन करचंदे एहा बाद आउ केते गुडिये प्रपोजल आज राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन करा जाय छि ता मध्ये रे ओडिशा टैक्सेशन एवं अकाउंट सर्विस रूल 2011 अमेंडमेंट जो थे कि ट्रेनिंग पीरियड को 12 मास 10 मास कराई ओएस ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव कराई आउ केते गुड़िया प्रपोजल जोटा कि आज अप्रूव कराई धन्यवाद।